अब ये क्या भाई, भाई मेरा बेटा इतने दिन बाद आया, बात तो करने दे, प्लीज बात करने दे। आप तो वॉशिंग भाई को बोले, आप वॉशिंग भाई को बोले। लेकिन आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे, मेरे बेटे से बात करने दे प्लीज। सामने मैं सामने क्यों देखूं, जब मैं इनसे बात कर रहा हूं तो सामने क्यों देखूं मैं? सामने देखे, सामने तो देखे, बेटे से तो बात करने दे मुझे। सामने तो देखे, क्या बताया क्यों नहीं? एक दफा तो सामने देखे। जब प्रॉम शुरू हो जाए तब मुझे बता देना, तब सामने देख लूंगा मैं। वो देखे तो प्रॉम शुरू हो गया। ओ ये तो बेहतर, और जेजे सर ने भी देख लिया, उन्होंने देख लिया कि अपने बेटे से बातें कर रहा हूँ मैं, देख लिया। ओ हो क्या पिटाई पिटाई पड़ेगी, डांट पड़े, क्लास में बातें करते हुए पकड़े, क्लास में बातें करते हुए। ओ हो हो, क्या हाल है सारे बच्चों के? जितने बच्चे भी देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाथ तो हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो प्यारे बच्चों जी, इस तरह नहीं बोलते, कहते हैं जी प्यारे बच्चों जी, इतना स्लो नहीं बोलते, थोड़ा सा जी जी प्यारे बच्चों जी। हाँ शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कैसे हमने दोनों ने सेम सेम कपड़े देखा आपने, सेम भाई, चलो भाई भाई। हाँ भाई लगते हैं वैसे, थोड़ा सा ही फर्क लगता है, बड़ा मैं भाई भाई लगते हैं, भाई 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 भाई, 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 भाई नहीं हूँ, ये मेरे बेटे हैं, मैं इनका अब्बू हूँ। कौन हूँ? बेटे बेटे, बेटे बेटे नहीं, अब्बू बेटे। क्या है बेटे, क्योंकि आपके अम्मी आप उनके बेटे। हाँ और मैं ये आपके बेटे। हाँ वो जो क्या है अब्बू हूँ तो मैं, वो क्या पोएम होती है अब्बू लाए, इधर 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 इधर, अरे डरो नहीं कुछ, अरे एक मिनट अब सुनाए। वाह 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 वाह, जबरदस्त पोयम सुनाकर, क्या पोयम सुना, बात सुने ये पोयम सुना के आगे बात भी करते हैं, पोयम सुना के आगे चले गए बात तो कर ले। फुटबॉल में कल कैसा कैसा खेलेंगे, आज फुटबॉल खेलेंगे? हमारे पास फुटबॉल है, है फुटबॉल है। अच्छा ओके, तो आपको ये मालूम है कि ओहो सॉरी सॉरी फोन बज गया, तो आपको ये मालूम है कि कल रमज़ान की कौन सी रात है, ये पता है आपको? कल है 26 रमज़ान, बड़ी रात है 26। हाँ तो कल ना हम सब नात पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी रात शुरू हो जाएगी ना 27 रमज़ान को, ठीक है। नात याद करके आओगे कल को अच्छी सी, प्लीज कोई सी भी, प्लीज 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 प्लीज, सिर्फ वन लाइन याद कर लेना, वो वाली वो वाली बोली वो नहीं है, मैं तो ये तो बेसारा हूँ दामंदी के आरिफ, नबियों के नबी तेरी सानेरी राली, क्या बात मती हूँ ऐसा है वो बम कर दे मेरे आका अब नजरे करा। इतनी अच्छी नात तो आती है घर भाई, कमाल हो गया भाई, छोटा है लेकिन क्या बात है भाई, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे भाई। और उमर की एक शरारत, वो क्या, अरे आज मैंने आपको दिखानी है एक वीडियो, एक स्पेशल वीडियो, जब ये थे ना उमर, ये थे इतने से, इतने नहीं, इतने नहीं थे उसमें, इतने इतने नहीं, इतने थे इतने कितने थे, इतने होंगे, कितने होंगे, इतने 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 होंगे, वीडियो में चेक कर लेंगे, वीडियो में देख लेते हैं कि ये कितने छोटे थे जब हमने इनको पहली मरतबा हम प्रणाम कर रहे हैं, भागते हुए आगे फिर चले गए, जरा दिखाए देखे उमर साहब की, जरा वीडियो तो दिखाए दिखाए दिखाए, ये तोता तब भी था हमारे पास, ये देखिए तोता भी तब बहुत छोटा था, ये उमर आए भागते हुए आए, ये डॉक्टर साहब को कुछ दिया, अब मैं कह रहा हूँ उससे बात करें, बात ही नहीं कर, भागे भागे, अरे 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 ये चले गए, ये नहीं डॉक्टर साहब को देखिए कितने छोटे हैं, वसीम भाई को देखें, अल्लाह ये बच्चा कौन, सभी बहुत छोटे थे, जो आया डॉक्टर साहब को देखें, पता नहीं क्या रमजान आपको चाहिए, हेलो ये कौन था, ये मेरा भाई था, आपका भाई था, इसका नाम क्या है, उमर, चलाइए अब उमर, यार आप जरा उमर को बुलाएं ना अपनी जबान, उमर को बोला आ जाओ जूर, उमर जूर
वर्ग का क्या क्या बोलते ये वापस आ गए एक बार फिर वाह वाह शानी रमजान ने पहली एंट्री मार दी है डाक साहब ने उमर ने अब वो क्या आप बिठा सकते हो इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं हाथ ना मुझे लगाना पड़े डॉक्टर साहब आप जरा बिठा सकते हैं इसको ये पहली उमर आ गए भाई डॉक्टर साहब के ये शायद कोविड का जमाना था ना उस टाइम हाँ कोरोना चल रहा था अब साशे में भी दस्तयाब तालियां बजा दे वाह 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 तालियां बजा दे भाई इधर है इधर है इधर है अमर ये कैसे इतने बड़े हो गए तब तो बहुत छोटे थे ना सब छोटे थे हाँ और आप आए थे और आके भाग के वापस चले गए हैं वापस भी चले गए थे छोटा बच्चा था तो फिर वापस गया अच्छा आ गया फिर वापस गया फिर अभी अभी छोटे बच्चे नहीं हो गया बड़े हो गए हाँ बड़ा हो गया कितने इयर्स के हो गए हैं बाब तीन इयर्स के थ्री इयर्स के हो गए ओ जबरदस्त भाई वाह वाह थ्री इयर्स के हैं हाँ आपको क्या लगा कितने साल के हैं चार साल पाँच साल चार पाँच साल के थ्री इयर्स थ्री ईयर भाई वेरी गुड भाई कितने अच्छे तरीके से ये जो हमारे तीनों बच्चे हैं एक पोएम आती है कौन सी तितली उड़ी तितली तो उड़ी है लेकिन पोएम कौन सी आती है तितली उड़ी तितली उड़ती है खरगोश भागता है कछुआ रेंगता है कैमल करता है पोएम बताएं कासी सुनाएंगे तितली उड़ी फिर वही बात तितली उड़ी पोएम है पोएम है पता है कि तितली उड़ती है तितली वाली पोएम है उमर की तितली वाली पोएम है ओ अच्छा पोएम ही तितली वाली है ओ सॉरी 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 ओके ओके जी तितली उड़ी उड़े नाचे की बाज में चली सी एक मिनट नो नो पहले मसला हल करें पहले आपने कहा तितली उड़ी फिर कह रहे उड़ ना सकी अब ये तितली उड़ी है या नहीं उड़ी ये मुझे क्लियर करें प्लीज आप तितली उड़ी उड़ ना सकी ये देखें डॉक्टर साहब आसिम भाई पोयम है तितली उड़ी उड़ ना सकी अब मैं क्या करूं मैं किस बात में यकीन दूं आदिल पोयम में ये है बस में चली गई तो बस में चली मतलब उड़ के गई होगी नहीं ना मिली जी ना मिली तो रोने लगी ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास इतनी भली आदमत बा तितली तितली उड़ी उड़े ना सकली प्लेन में चढ़ी सीट ना मिली तो रोने लगी सीट ना मिली तो रोने लगी ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास तितली बोली अदमत मत तितली उड़ी प्लेन में ट्रेन में चली सीट ना मिली तो रोने लगी अरे बस कहाँ कहाँ जाएगी ये तितली भाई इधर 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 पूरे रोड का सफर और पहले ये बताओ जब ये तितली उड़ सकती है तो ये बस में क्यों बैठ रही है ये प्लेन में क्यों चल रही है जब खुद उड़ के जा सकती है तो वेरी भाई वेरी गुड तालियां बजा दे बहुत सारी तालियां जबरदस्त मैं अब आपको आज एक ऐसी सरप्राइज चीज दिखाने वाला हूँ जैसे हमने यहाँ देखा ना यहाँ पे हमारी इतनी अच्छी फिश है और सारा कुछ है ये बताएं क्या किसी को ये पता है डॉक्टर साहब कि एक्वेरियम क्या होता है कोई आइडिया है एक्वेरियम क्या होता है भाई उसमें क्या होता है उसके अंदर क्या होता है मछलियां पानी और हाँ मछलियां होती हैं और पानी होता है बिल्कुल ठीक हम आपको एक्वेरियम दिखाएं एक मजे सा जरा सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करें आंखें बंद करें अब सो जाएं कल मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय नहीं 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 एक मिनट जब मैं कहूँगा 3 2 1 फिर आप देखिएगा लेफ्ट पे ओके फिर हम आपको एक सरप्राइज दिखाएंगे 3 यहाँ दिखाइएगा 2 1 अब देखें वो इधर देखें ये देखें कैसा कैसा हमने आपको एक्वेरियम दिखाया इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ क्या करें मछली की आवाज निकाले मछली की आवाज निकाले ओ भाई मछली की आवाज जिंदा मछली की आवाज होती है क्या मछली अगर आप निकालते हैं आप बताओ कैसे निकालते हैं मछली की आवाज आप ये तोते को एक दफा प्यार कर सकते हो तो फिर मैं मछली की आवाज निकालूंगा बताओ नहीं देखो मैं कर सकता हूँ मैं नहीं डरता ये देखे ये आए और ये देखे ना नहीं काटेगा ये देखे ये नहीं करो सब देख रहे हैं कैमरा ऑन है नहीं करो ऐसे ये देखें हम नहीं डरते इन्हें मोबाइल ना दे ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें कैसे नो पेन ना दे कल भी ये देखो इसकी ये मेरा जो पेन कल तोड़ा ना उसकी इंक भी लगी हुई है इसको अभी तक तो मैं इतनी देर तक डरे बगैर तोते को प्यार कर रहा हूँ कोई बच्चा मेरे लिए तालियां नहीं बजा रहा एक उंगली से भाई एक उंगली से
वेरी बैड, ये तो कोई बात नहीं हुई। आएंगे आप मेरे पास, आएंगे आओगे मेरे पास, आओगे? बड़ी हिम्मत करके मैंने हाथ आगे बढ़ाया, आ जाओ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मुझे इसको हाथ में लेना नहीं आता, लेकिन ये अच्छा है तोता। तो भाई आपको पता है कि हम तो अभी यहाँ पे देखते हैं ना कि फिश होती है मछली, आज हम जरा दाना भी डालेंगे, ठीक है? लेकिन आपको पता है समंदर के अंदर अगर आप कभी जाए ना, वो मैं गया हूँ बहुत दफा, क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से नाम निकल गया, क्या कहते हैं वो जो समंदर के अंदर जो जाते हैं उसको क्या कहते हैं यार? नहीं पानी, पानी तो कहते हैं उस चीज को, क्या कहते हैं पता नहीं, जहन से निकल गया अभी। नहीं नहीं वो तो और नहीं यार, वो एक होती है स्कूबा डाइविंग, दूसरी चीज क्या होती है जो पानी के अंदर जाते हैं? हाँ वो जो मास्क पहन के जाते हैं, पता नहीं आपको याद है, आप बता दें। उबैद भाई बताएं यार, जे जे बताएं क्या कहते हैं उसको, स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग कहते हैं, याद आ गया, स्नॉर्कलिंग कहते हैं ना पानी के अंदर जो जाते हैं उसको, हाँ स्नॉर्कलिंग याद आ गया। उससे फिर सांस लेते। तो कभी अगर आप वो करें ना, ओ माय गॉड, आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरह एक दुनिया है ना यहाँ पे जो चल रही है पूरी दुनिया, वैसे ही पूरी एक दुनिया है जो समंदर के अंदर चल रही है, उसके अंदर तरह तरह के मछलियां हैं, पता नहीं क्या क्या है, अल्लाह ताला की मखलूक है। ये तो एक छोटा सा एक्वेरियम टाइप का है ना, लेकिन अगर हम कभी स्नॉर्कलिंग करें पानी के अंदर जाए तो इंसान हैरान हो जाए अल्लाह ताला की मखलूक को देख के, और इंसान फौरन कहे सुबहान अल्लाह। क्या कहे इंसान? सुबहान अल्लाह। ये तो हो गई मछली की बात। ओहो हो, मोर ने हमला कर दिया भाई। अब मैं आपको एक सवाल, अब देखते हैं कौन इसका जवाब दे। वो कौन सा एक एनिमल है जो पहले होता था, अभी नहीं है, अभी खाली मूवीज वगैरह में, और बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि यानी पता नहीं इतना बड़ा। जी आदिल साहब, डायनासोर। डायनासोर, डायनासोर भी है, एलिफेंट। हाँ भाई डॉक्टर साहब, और हाथी की शक्ल वाला भी एक। हाथी की शक्ल वाला कौन है? माउस है, कौन हो सकता, क्या कह रहे हो? हाँ माउस, नहीं बताओ 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 क्या, कौन होता है? डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर। सबका क्या ख्याल है, डायनासोर? डायनासोर, डायनासोर। जवाब क्या कह रहे हैं, मुझसे कुछ कह रहे हैं बेटा, मेरा टॉपिक खुल रहा है बार बार, बंद कर दे इसको। आप लोगों का जवाब दुरुस्त है या गलत है? सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, डायनासोर। दिखाएं दिखाएं डायनासोर की, जरा पूरी तस्वीर दिखा दे भाई। और ये तोता भी आ गया है ना, इधर आ, इधर आ। अब आपको पता है डायनासोर जो है ना, वो कौन सी चीज है जो बगैर पांव के जाता है? ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मैं डायनासोर की बात कर रहा हूँ, वो कौन सी चीज है जो बगैर पांव के जाता है? बगैर पांव के जाता है, बगैर पांव के तो कोई भी नहीं, मछली, मछली बगैर पांव के जाती है? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, है वो तो एनिमल है, डक, डक बगैर, नहीं उसके भी पाँव होते हैं। कौन सी चीज़ है जो बगैर पाँव के जाती है आदिल? क्या कोई से खुद ही पूछ, आप बता दें खुद ही। तोता, तो तोता क्या कह रही है? उसके भी तो पाँव है, पाँव तो उसके भी हैं। ये क्या सवाल है, डायनासोर का हमारे बेड़ा गर्क कर दिया है। एक सवाल मैं पूछता हूं, पूछे सवाल, पूछे सवाल, पूछे। वो जंगल में रहता है, जंगल में रहता है डायनासोर। हाँ वो कौन सा कौवा है जिसके सर पर पैर है? अरे ये सवाल पली कर लिया, अब जवाब आता है, सर पर पैर है। अब देखते हैं, कोई जवाब नहीं देगा, नहीं देखते हैं उमर को याद है या नहीं, शायद भूल गया, बताओ बताओ, याद है नहीं, बताएं बताएं, सवाल दोबारा करें। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर है? जवाब दो, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई नो चीटिंग। हाँ भाई बताएं, अभी कल तो किया था मैंने सवाल, कल नहीं तीन चार दिन पहले। कौन कौन, नहीं नहीं कौन, अरे कुछ नहीं करेगा, अरे नहीं करेगा भाई, कुछ नहीं करता ये तोता, बहुत अच्छा है। इस मैं जब किस्सा पढ़ा था, यही तोता तो मुझे काट रहा था उस दिन। आदिल ये चक मारेगा इस पे, इसने पता है क्या किया, ये नया लगवाया हमने, पूरा काट गया था, पूरा काट गया ये। अरे यार क्यों आ रहे हो? अरे कुछ नहीं करेगा भाई, सवाल का जवाब तो भाग रहे हैं सब। वसीम भाई मुझे पता है, नहीं ये बताए ना, पहले देखते हैं कि इनको पता है जवाब या नहीं। कौन सा परिंदा है जिनके सर पर पैर हैं, जो आदिल ने सवाल किया आपसे? नहीं बता। मैं और आदिल कामयाब हो गए, नहीं बता, नहीं बता, नहीं। हर परिंदे के सर पर पैर होते हैं। सर पर पैर। तो क्या कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? दे दो, मैं सवाल करूंगा। सवाल, जवाब तो दो पहले हमारे सवाल का। वो कौन सी चीज है जो सर पर पैर होते हैं? ये क्या हो रहा है आदिल, ये क्या हो रहा है? ये रोजाना ये होता है मेरे साथ इस सेगमेंट में। आप जब घर पे एंजॉय कर रहे होते ना, मैं ये कर रहा हूँ।
मेरा डायनासोर कहाँ से किधर चला गया, मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ? आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं। ये देखें, हरी मापी को बिल्कुल डर नहीं लगता, इनको इनको डर नहीं लग रहा, आपको डर लग रहा है? ओहो, इधर इधर इधर, नहीं नहीं काटेगा, इधर आ जाओ, इधर आ, अरे इधर आ जाओ, कैमरे में नजर नहीं आ रहा यार, इधर आओ। अगर हम हाथी को फ्रिज में डालेंगे तो कैसे डालेंगे? पहले अच्छा भाई, अरे डायनासोर से शुरू हुए, कव्वे पे चले गए, हाथी पे आ गए, क्या हो रहा है ये सब, एक एक करके। पहले तो ऐसा करें, कल जो है ना सारे बच्चे होमवर्क अपनी अम्मी से पूछ कर आए, ये डायनासोर का क्या है, डायनासोर की क्या स्टोरी है, फिर कल आपको सुनाएंगे हम डायनासोर की स्टोरी, बताएं भाई। वो तो पहले वो जमीन पर एक पत्थर टकराए थे, जिसकी वजह से फिर वो मर गए थे सारे। ऐसा कुछ हुआ था जी? यस। अब आपको ये स्टोरी जरा सुनाएंगे कल के, डायनासोर क्या था, क्या है। जी जी, और समझ रहे हैं भाई आदिल साहब, किसी को डायनासोर की नहीं पड़ेगी, उनको अपना सवाल करना है, इनको अपनी पोएम सुनानी है, इनको अपना तोता, बस सिर्फ ये हो रहा है, कोई मेरी नहीं सुन रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सुन रहा हूं। नात सुनानी है, नात, नात कौन सुनाएगा? नात मैं तो मत हूँ, तो कल पढ़ेंगे ना, जब अब नात हो गए, कल कौन से कपड़े पहन के आओगे? वाइट नहीं, फिर कल मिलाद वाले, बस जिस तरह आज पहना ना, ये भी सही है, मिलाद के कपड़े पहन जाएंगे। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा भाई, हरीम के पास नहीं, नहीं, हरीम के पास एक मैसेज है हम सबके लिए। अब आज हमने चिड़ियाघर को ताला लगा दिया, ना डायनासोर पे भागोगी, ना हाथी पे, ना कव्वे पे। हरीम के पास एक मैसेज है हम सबके लिए, वो लेंगे, फिर हम कोई नात पढ़ते हैं मिलके सब, ठीक है ना? क्या ख्याल आदिल साहब? ठीक है, तो हरीम के पास क्या पैगाम है, ट्रैफिक लाइट्स का क्या पैगाम है? Red light, what do you said? I said stop, stop and away. Yellow light, what do you said? I said start, start and away. Green light, what do you said? I said go, go and away. वाह 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 वाह, तालियां बजा दो। इस पोएम से हमें ये सबक मिलता है कि कोई सबक मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ट्रैफिक रेड लाइट पे क्या करते हैं हमें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए सबको, ठीक है? ये तो हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि हैं, आप फॉलो करती हो? यस। आप गाड़ी चलाती हो? मैं तो फॉलो कैसे करती हूं? मैं बाइक चलाती। अच्छा बाइक चला रही हो, और बाइक में रेड लाइट फॉलो कर रही हो, बहुत अच्छी बात है भाई, जबरदस्त तालियां बजा दे भाई सारे बच्चों के लिए, वेरी नाइस, ये तो बहुत ही कोई अच्छी बात हो गई। तो भाई ये बताएं कि कौन हमें ना, जुनेद भाई की एक नात हमने अब तक नहीं पढ़ी है, और वो नात है पता है कौन सी, जो हमने पहली रमजान से अब तक नहीं पढ़ी, मेरे नबी प्यारे नबी, ये याद है किसी को? याद है, सुना है, सुना है भाई ये, क्या आपका क्या नाम है आपका? हाँ नाम भाई, ये ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है आपका मैं गाना। मेरा नाम मोहसिन है और मैं नात हूँ। पढ़े भाई सुने, मेरे नबी प्यारे नबी पढ़ेंगे भाई, पढ़े सब मिलके पढ़ेंगे, ओके चले। मेरे नबी प्यारे नबी, सब पढ़ेंगे, नत तेरी दुनिया उदी, ए नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया उदी, तू ही शफात की अमा, ए रहमतुल लिल आलमी, ए नबी प्यारे नबी। भाई सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ये नात ए नबी प्यारे नबी, ये नात किसने पढ़ी है, जरा मुझे नाम तो बता दें। वेरी गुड, द आंसर इज करेक्ट, शाबाश, बहुत ही। हाँ जी जी जी, ये जो तोता है ना, ये सबको काट रहा है, आपको दर्द हो रहा है जब काट रहा है? मुझे बार बार काट रहा है, ये देखिए। हाँ मुझे बार बार काट रहा है, फिर भी आपको डर नहीं लग रहा? नहीं। देखें कैसा, इनको डर नहीं लगता? आपको डर क्यों लगता है? आके उठा लें इसको हाथ से, कुछ नहीं होता। फिर मेरे हाथ में दोगी? चलो भाई ऐसा करें कि जल्दी से, भाई अहमद भाई जरा आदिल भाई के ही जरा साथ आप लोग जरा हाथ धोएं, डेटॉल से हाथ धोना बहुत जरूरी है, इस गर्मी को करें दूर डेटॉल कूल के साथ, हर पल फ्रेशनेस का सोल्यूशन है डेटॉल कूल जनाब। सो क्या हम, क्या कह रही है, माइक में बोले ना, ईद पर ना मेरी बर्थडे आ रही है। ईद पे बर्थडे आ रही है? किस दिन? 22। हाँ 20
2 अप्रैल तो हो सकता है 30th रोजा भी हो उस दिन, तो ये भी हो सकता है। हाँ आपको पता है जब मैं शीम दामी आपके शो में आती हूँ ना, उससे पहले मैं इस तोते को पकड़ती हूँ अपने। डर नहीं लगता? वाह जबरदस्त, क्या बात। तो अब कल का होमवर्क सबको याद है, आज डायनासोर पे बात नहीं करने दी, अब कल डायनासोर की स्टोरी मैं तो सुनाऊंगा, लेकिन आप जरा सब अपने अम्मी अब्बू से पूछ कर आए व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट डायनासोर्स, क्या है डायनासोर के बारे में, ऐसी क्या अलग बात है जो बाकी जानवरों में नहीं है, ये सब पूछ कर आएंगे कल। ठीक है, कल का ये टेस्ट है, और कल क्या है, कल है हमारी महफिल मिलाद, कल हम सब नात पढ़ेंगे, चूंकि बड़ी रात शुरू होने वाली होगी, शबे 27 रमजान होगी, तो कल हम सब पढ़ेंगे नात। अभी हम सब लेंगे सेल्फी, आ जाए भाई सेल्फी में, आ जाए सेल्फी में, कोई आ नहीं रहा, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर ही नहीं आ रहा, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा सेल्फी में, अच्छा अच्छा आ जाए आ जाए, चले भाई चले, हो गई सेल्फी, वक्त का मैं मुकाबला सकते हैं से चीज, मिलते हैं हम सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट ओके।